अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं लिट्टी और चोखा। तो सबसे पहले मिर्ची लेंगे, अदरक है, लहसुन है, और ये सबको एक गिलास में धो के कूच लेंगे। देखिए हम गिलास में ढक के कूच लिए हैं, और कूचने के बाद हम एक प्लेट में हम सतुआ डाल लिए हैं। चना का सत्तू है, 250 ग्राम है। अब हम ये मिर्ची, लहसुन और अदरक कूचे थे वो डाल देंगे, और डालने के बाद हम नमक डालेंगे, एक 2 चम्मच है। अब तो ये मसाला भी ले लेंगे, थोड़ा सा अचार का मसाला है, उसका टेस्ट भी बढ़िया आता है। अब 2 चम्मच घी डालेंगे। इसके बाद हम मिक्स कर लेंगे बढ़िया से। देखिए मिक्स हो गया है, देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद एक गमला में मैदा लेंगे, और ये अजवाइन है, अजवाइन डाल देंगे, और रिफाइंड डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच घी डालेंगे, और थोड़ा सा सोडा डालेंगे, खाने वाला सोडा है, और मिक्स करेंगे। पाँच मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे, एकदम खस्ता बन के तैयार होगा। करेंगे देखिए हमारे मैदा बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। अब पानी डाल के गूंथेंगे, बढ़िया से मिलाएंगे, गूंथेंगे चाहे मिक्स करेंगे, बात तो बराबर ही है। सॉर्ट हो रहा है, देखिए गूंथने के बाद अब छोटा छोटा पीस बना लेना है, और देखिए एक लोई लेना है, और इसमें सत्तू डाल लेना है, पातर पातर बना लेना है। एक कढ़ाई में रिफाइंड डाल लिए हैं, देखिए गरम हो गया है। अब इस सारा पीस में हम डालेंगे। बढ़िया से सेक लेंगे।
लहसुन है, हरी मिर्ची है और आम का बहुत मस्त।